को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। तत्हीर वो हर दिल की कुरान की तिलावत से है, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। तत्हीर वो हर दिल की कुरान की तिलावत से है, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरान में है रहमत के वो साए हो, और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। हर महफिल कुरान में है रहमत के वो साए हो, और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। जब जिक्र तिलावत हम होंठों पे सजाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। नौखेज़ हैं हम गुंचे हैं गुलदान मोहम्मद के, हम बारिश खुशबू है फरमान मोहम्मद के। नौखेज़ हैं हम गुंचे हैं गुलदान मोहम्मद के, हम बारिश खुशबू है फरमान मोहम्मद के। हर दस्त के सीने को फूलों से सजाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। आका ने कहा हमको बरतर ही वो इंसान है, तौहीद के दाई है जो रहबर ईमान है। आका ने कहा हमको बरतर ही वो इंसान है, तौहीद के दाई है जो रहबर ईमान है। कुरान को सीखेंगे और सबको सिखाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। जिसे चाहे तो इज्जत
لگایا رب دلوں میں ایک دوجے کے لیے اکرام عزت دے دین اور دنیا کا علم کیسے حاصل کرے. تو سب سے پہلے بینگ اے مسلم, ہم سب مسلم الحمدللہ, تو ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے دنیا میں اعتبار سے؟ ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر. سب سے پہلے تو اس میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو یہی دعا ہے آپ کی نیکیاں بنے گی جو ذریعہ بنے گی جنت پہ جائے. محترم حضرات, قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, وَلَا تَفَرَّقُوا فرقوں میں مت بٹو. للهدى والحق وفقني إلى